नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर इस रेसिपी को आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून सरसों ऑयल, इसे मैंने 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर जीरा डाला है मैंने। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज को हमने भून लेना है। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक मिक्सर जार में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और हमने इसमें 10 काजू डाले हैं। अब हम इसे अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर दिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले हमारे भुन चुके हैं और हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर और काजू का, वो अब हम इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे हम भुनेंगे। थोड़ा सा जो पेस्ट लगा हुआ था उसे भी मैंने धोकर इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी बनाएं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मसाले को हमें अच्छे तरीके से भूनना है, ढककर भूनना है। यहाँ पे मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है। ये देखिए मसाले में सब ऑयल अच्छे से निकलने लगा है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। आप चाहे तो यहाँ पे क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैंने डाला है 1/4 चम्मच गरम मसाला। ये हमारा, यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी दिया है। हमें इसमें ग्रेवी इसमें थिक रखनी है। अब ग्रेवी में अच्छे से हम उबाल आने देंगे। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुके, अब हम अंडे को एक एक करके इस तरह कटोरी में निकाल के इसे डाल देंगे। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंडे सड़े हुए निकलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने इस तरीके से डाला है। और डाल के हमें इसे मिलाना नहीं है, हमें इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। और अंडे के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देना है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली है। हमने यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाना है, हमें इसे मिलाना नहीं है। तो ये देखिए हमारी एग की ये रेसिपी एग लवादार बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपकी हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी ये रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।